हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डिफ़ॉल्ट फाइल परमिशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यू मस्ट कमांड के बारे में। तो इसको समझते हैं। यू मस्ट का मतलब है यूज़र फाइल क्रिएशन मास्क। जब भी आप न्यू फाइल क्रिएट करते हो तो उनके लिए परमिशन पहले से ही सेट होता है। यू मस्ट कमांड की हेल्प से हम सेट परमिशन चेंज कर सकते हैं। यू मस्ट की वैल्यू चेक करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं यू मस्ट 022। ये यू मास्क वैल्यू मेरे टर्मिनल का है। किसी किसी सिस्टम में 4-डिजिट वैल्यू शो होता है, बट आप राइट के 3 पे फोकस करना। यूज़र के लिए यू मास्क वैल्यू है 0, ग्रुप के लिए 2, अदर यूज़र के लिए भी 2। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको न्यू फाइल क्रिएट करोगे तो उसको एग्जीक्यूट का परमिशन कभी असाइन नहीं होगा। एग्जीक्यूट का परमिशन अलग से असाइन करना पड़ता है chmod कमांड की हेल्प से। chmod कमांड के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। परमिशन वैल्यू जो आपको पता होना चाहिए, रीड के लिए 4, राइट के लिए 2, एग्जीक्यूट के लिए 1। टोटल परमिशन वैल्यू हो गई 4 + 2 + 1 = 7। अब मैं आपको यू मस्क वैल्यू एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले फाइल के केस में यू मस्क वैल्यू, फाइल को एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं मिलता बाय डिफ़ॉल्ट, याद रखना। यूज़र के लिए यू मास्क वैल्यू है 0, तो 6 - 0 = 6। तो यूज़र के लिए परमिशन है रीड एंड राइट का। रीड का वैल्यू है 4, राइट का वैल्यू है 2, 4 + 2 = 6। इसको मैंने 6 में से इसलिए सबट्रैक्ट किया क्योंकि फाइल को एग्जीक्यूट का परमिशन कभी असाइन नहीं होता बाई डिफ़ॉल्ट, इसलिए 7 - 1 = 7। टोटल परमिशन वैल्यू 1, एग्जीक्यूट की वैल्यू = 6। ग्रुप के लिए वैल्यू है 2, तो 6 - 2 = 4। ग्रुप को सिर्फ रीड का परमिशन है क्योंकि रीड की वैल्यू है 4। अदर के लिए वैल्यू है 2, तो 6 - 2 = 4। अदर को भी रीड का परमिशन है। ये थोड़ा सा उल्टा वर्क करता है chmod कमांड से। अब डायरेक्टरी के केस में यूजर के लिए वैल्यू है 0, तो 7 - 0 = 7। यूज़र को सब परमिशन है क्योंकि रीड का वैल्यू है 4, राइट का वैल्यू है 2 और एग्जीक्यूट का वैल्यू है 1। इन तीनों को ऐड करेंगे 4 + 2 + 1 = 7। अगर डायरेक्टरी पे एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं होगा तो यूज़र उस डायरेक्टरी में मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए डायरेक्टरी पे एग्जीक्यूट का परमिशन सेट कर सकते हैं। ग्रुप के लिए वैल्यू है 2, तो 7 - 2 = 5। ग्रुप को रीड एंड एग्जीक्यूट का परमिशन है क्योंकि रीड का वैल्यू है 4, एग्जीक्यूट का वैल्यू है 1, टोटल 5। अदर के लिए वैल्यू है 2, 7 - 2 = 5। अदर को भी रीड एंड एग्जीक्यूट का परमिशन है। यू मास्क का वैल्यू चेंज करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं यू मास्क देन टोटल वैल्यू। थ्योरी पार्ट में इतना ही, प्रैक्टिकल पार्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं कमांड रन करूँगा यू मास्क। यहाँ पे आपको यू मास्क की वैल्यू दिख रही होगी 022। अब हम ये चेक करते हैं अगर मैं कोई न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ तो उसमें यूज़र के लिए, ग्रुप के लिए, अदर के लिए क्या क्या परमिशन होगा। यू मास्क वैल्यू यूज़र के लिए है 0, तो 6 - 0 = 6। तो यूज़र के लिए परमिशन है रीड और राइट का। ग्रुप के लिए यू मास्क वैल्यू है 2, तो 6 - 2 = 4। तो ग्रुप के लिए परमिशन है रीड का। अदर के लिए वैल्यू है 2, तो 6 - 2 = 4। तो अदर को भी रीड का ही परमिशन है। अगर मैं कोई न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ तो यूज़र के लिए परमिशन है रीड राइट का, ग्रुप के लिए परमिशन है रीड का, अदर के लिए परमिशन है रीड का। अब हम ये चेक करते हैं टच न्यू फाइल ls-l। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो यूज़र के लिए रीड राइट और बाकी दोनों के लिए रीड रीड। अगर मैं कोई और फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सेम परमिशन। अब हम ये चेक करते हैं अगर मैं न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ इस यू मास्क वैल्यू पे, तब डायरेक्टरी के लिए क्या क्या परमिशन जाएगा। यूज़र के लिए यू मास्क वैल्यू 0, तो 7 - 0 = 7। तो इसको परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन है। ग्रुप के लिए यू मास्क वैल्यू है 2, तो 7 - 2 = 5। तो इसको परमिशन है रीड और एग्जीक्यूट का।
अदर के लिए वैल्यू है 2, तो 7 - 2 = 5। अदर को परमिशन है रीडर एग्जीक्यूट का। अब हम न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, मेक डिर डिर वन ls-l। यहाँ पे आप परमिशन मैच कर सकते हो, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट और रीड एग्जीक्यूट। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी न्यू फाइल क्रिएट हो उसमें यूज़र के लिए परमिशन हो रीड की और बाकी दोनों यूज़र के लिए कोई भी परमिशन ना हो। तो आइए देखते हैं कि उसके लिए जो होता है यू मस्क वैल्यू क्या होगा। यूज़र के लिए परमिशन है रीड की, रीड की वैल्यू है 4, तो 6 - 4 = 2। ग्रुप के लिए कुछ ही परमिशन नहीं देना है, इसलिए 6 - 0 = 6। अदर कोई भी परमिशन नहीं देना है, इसलिए 6 - 0 = 6। तो उसके लिए यू मस्क वैल्यू निकल के आई है 2 6 6। अब क्या करना है, हमें यू मस्क वैल्यू चेंज करना है। तो यू मस्क और यहाँ पे वैल्यू है 2 6 6 2 6 6, एंटर यू मस्क। यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यू जो होती है चेंज हो गई है। अब मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, टच न्यू सॉरी बाय नो नाइट ls-l। यहाँ पे अभी अभी मैंने बाय नो नाइट फाइल को क्रिएट किया है, यहाँ पे है बाय नो नाइट। यहाँ पर आप देख सकते हो यूज़र के लिए परमिशन है रीड की और बाकी दोनों यूज़र के लिए कुछ ही परमिशन नहीं है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी न्यू फाइल क्रिएट हो उसमें यूज़र के लिए कोई भी परमिशन ना हो, ग्रुप के लिए राइट का परमिशन हो, अदर के लिए रीड का परमिशन हो। तो आइए देखते हैं उसके लिए यू मास्क वैल्यू क्या है। यूज़र के लिए कोई परमिशन ना हो इसलिए 0 6 - 0 = 6। ग्रुप के लिए राइट का परमिशन हो इसलिए 2 6 - 2 = 4। अदर के लिए रीड का परमिशन हो इसलिए 4 6 - 4 = 2। तो यहाँ से यू मास्क वैल्यू निकल के आई है 6 4 2। यू मास्क 6 4 2, एंटर ls-l। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बस एक ही फाइल है बाई नो नाइट, टच नेटवर्क ls-l। यहाँ पर मैंने एक और फाइल क्रिएट किया नेटवर्क, जिसमें यूजर के लिए कोई परमिशन नहीं है, ग्रुप के लिए राइट का परमिशन है और अदर के लिए रीड का परमिशन है। बट इसमें एक दिक्कत है, अगर मैं कोई न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ तो उसमें सभी यूजर के लिए एग्जीक्यूट का परमिशन जाएगा। एग्जाम्पल मेक डिर इम्पोर्टेंट ls-l। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने इम्पोर्टेंट डायरेक्टरी बनाई है उसमें सभी यूजर के लिए एग्जीक्यूट की परमिशन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि अदर को जो होता है एग्जीक्यूट की परमिशन ना जाए जब वो डायरेक्टरी क्रिएट करे, तो आपको सिंपल ये करना है कि यहाँ पे जो आउटपुट आया से 2 उसमें 1 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 3। वरना आपके पास एक और ये चीज़ होता है कि आप जो होता है साइकिल सारे परमिशन की वैल्यू 7 में से माइनस करो। एग्जाम्पल आपको यूजर को कोई वैल्यू नहीं देनी है, इसलिए 7 - 0 = 7। ग्रुप को राइट का परमिशन देना, इसलिए 7 - 2 = 5। अदर को रीड का परमिशन देना, इसलिए 4 7 - 4 = 3। तो यहाँ से यू मास्क वैल्यू निकल के ये 7 5 3। यू मास्क 7 5 3। अब मैं कोई न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ तो उसमें यूजर ग्रुप और अदर को एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं जाएगी। एग्जाम्पल मेक डिर इम्प ls-l। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इम्प जो डायरेक्टरी है उसमें किसी के लिए भी एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।